श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे देश भर में बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब व्यक्ति भी दिवाली का त्यौहार अपने घर में ज़रूर मनाता है। और देखिए, दिवाली की जो तैयारियाँ होती है वो बहुत ही पहले से हम शुरू कर देते हैं। कुछ घरों में शुरू हो चुकी है तो कुछ घरों में सफाइयाँ वगैरह सारी तैयारी हो चुकी है। तो साल में यही एक पर्व होता है जिसमें हम अपने पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, और माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी घर आती ही आती है, इसीलिए पूरे घर की साफ सफाई की जाती है जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए और हमारा जीवन हमेशा खुशहाली भरा बना रहे। तो देखिए, कई बातें ऐसी होती है, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर की साफ़ सफाई करता है, परंतु आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ जिस पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। ठीक है, हर घर अच्छे से अच्छी तैयारी करता है माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए और पूरा प्रयास भी करते हैं, परंतु इतने प्रयासों के बाद भी हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी का आगमन क्यों नहीं हो पाता है? कभी आपने ये चीज़ को सोचा है? तो आज की वीडियो इसीलिए मैंने आपके लिए बनाई है, क्योंकि दिवाली में जब हम घर की सफाई करें, या ये वीडियो आपको जब भी दिवाली से पहले मिल जाता है, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, तो वीडियो का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। स्किप कर दोगे देखो तो आपको ना जो भी मैं जानकारी देना चाह रही हूँ वो जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो आप कृपया कर वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरा सुनिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि हम कहाँ गलतियाँ करते हैं। और ये मैं नहीं बोल रही, ये देखिए शास्त्र कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को कौन सी जगह प्रिय होती है। ठीक है, और किस तरह से हमें अपने घर में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि मैं ये 100% आपको बोल रही हूँ कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो, क्योंकि देखिए लक्ष्मी पूजन तो हम सिर्फ दिवाली के दिन करते हैं, परंतु यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो, क्योंकि माँ लक्ष्मी एक दिन दिवाली की पूजा करने से ही आपके घर में नहीं आ जाती, उनको सदैव आपको प्रसन्न करके रखना होता है, तो आज की वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, घर के जब भी आप घर की साफ सफाई शुरू करते हैं दिवाली से पहले, घर का मुख्य सबसे स्थान होता है आगन्य कोण। आगन्य कोण मतलब पूर्व और दक्षिण दिशा, जहाँ पर हमारा किचन होता है। ठीक है, किचन यानी कि माँ अन्नपूर्णा का स्थान। दिवाली की सबसे पहले सफाई आपको अपनी किचन से ही शुरू करनी चाहिए। भले ही आप थोड़ी सी सफाई करें, मैं ये नहीं बोलती आप पूरी किचन को एक ही दिन में साफ़ कर दीजिएगा, परंतु जब भी आप सफाई करें हमेशा अपनी किचन से माँ अन्नपूर्णा के स्थान से ही आपको शुरू करनी चाहिए। और कुछ चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि जब भी आप किचन की सफाई करेंगे, किचन में जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो ख़राब हो गए, जो आपके यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है, हम उन्हें सोच के रखते हैं अभी ठीक कराएंगे बाद में ठीक कराएंगे, परंतु ये ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें राहु को आमंत्रित करती है। राहु अर्थात आपके घर में नेगेटिविटी, तो आपके किचन में जो भी पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान है जिनसे नेगेटिविटी निकल रही है, ठीक है, किचन में कई बार हमारे माइक्रोवेव होता है, कई बार हमारा मिक्सर होता है जो ख़राब रहता है, हम सोचते हैं आज सुधरवाएंगे कल सुधरवाएंगे, ऐसा नहीं करना है। उन्हें तुरंत या तो सुधरवाइए, या फिर नहीं ज़रूरत है तो उन्हें कबाड़ के थ्रू आप घर से बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है, मुख्य तौर पे अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हमारी किचन में प्लास्टिक के डब्बे हम बहुत सारे इकट्ठे करके रख लेते हैं, कुछ बच्चों की बॉटल्स होती हैं, टिफिन्स होते हैं, ठीक है, कुछ टूटे फूटे बर्तन होते हैं जिनका प्रयोग हम करते ही नहीं हैं, कुछ क्रॉकरी हमारी किचन में ऐसी होती है जो कई बार डैमेज हुई हुई होती है और हम उसे संभाल के रखते हैं कि अभी नहीं बाद में निकालेंगे, परंतु इस दिवाली पे इन सारी चीज़ों को किचन में एक एक कोना आप देखिए कौन सी चीज़ ख़राब है, क्योंकि ये आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन को तो क्या ही करेंगी, दरिद्रता का प्रवेश जरूर करवाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्लास्टिक की बॉटल, जो डब्बे प्लास्टिक के हैं जो ख़राब हो रहे हैं आपको नहीं ज़रूरत है, और बर्तन वगैरह जो भी आपको लगता है उन्हें ज़रूर निकाल दीजिएगा। और दूसरी चीज़ जिस पर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है, हमारी किचन, क्योंकि आजकल मॉड्यूलर किचन का आधुनिक देखिए ज़माना है, कई बार हमारी किचन के जो ड्रॉर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, सिंक में से कई बार पानी बह रहा है, गंदगी मची हुई है, हम सोचते हैं आज नहीं कल करवाएंगे, क्योंकि पुरुष कामकाजी होते हैं और वह ध्यान नहीं दे पाते, परंतु स्त्रियों को ये सारी चीज़ों की मरम्मत करवा के दिवाली पर ठीक ठाक करवा के रखनी है, जिससे कि आपके घर में सफाई का माहौल रहे, माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न रहे और माँ लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में हो, आपकी रसोई में हो। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा माँ साफ सुथरी रसोई में रहकर
भोजन करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। आपके घर में आप सभी को पता होगा माँ लक्ष्मी रसोई में ज़रूर प्रवेश करती हैं। जिस रसोई में गंदे बर्तन पड़े हैं, रसोई खराब पड़ी है, गंदी पड़ी है, जहाँ पर चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता, वहाँ माँ लक्ष्मी की बहन दरिद्रता का वास हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपके घर का आंगन्य कोण यानी कि अपने रसोई घर को आपको साफ स्वच्छ रखना है, ठीक है। अब अन्य बात, जो मेन कॉर्नर है आपके घर का, क्योंकि आप दीवारें कितनी रंग पेंट करा लीजिए, घर की कितनी साफ सफाई करा लीजिए, परंतु यदि आपके घर के कॉर्नर, क्योंकि जिन कॉर्नर्स में शास्त्रों में बहुत जिन्हें शुभ बतलाया गया है, भगवान का वास बतलाया गया है, अगर वही कॉर्नर आपके गंदे रहेंगे, कचरा भरे पड़े रहेंगे, गंदगी रहेगी वहाँ पर, तो कभी भी माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। क्योंकि जहाँ जिस घर में समस्त देवताओं का वास होता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, वहीं पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी केवल अकेले आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। अब अगली चीज़ें हैं, देखिए जो आपका दूसरा जो कॉर्नर है आपके घर का, वो है ब्रह्म स्थान, जिसे हम अपने घर का सेंटर पॉइंट बोलते हैं। सेंटर पॉइंट इन द सेंस आपके घर का ड्राइंग रूम, ठीक है, जहाँ पर भी आपका ड्राइंग रूम होता है, घर का सेंटर पॉइंट कहलाता है, जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, ठीक है। वो ब्रह्म स्थान आपके घर का कभी भी गंदा नहीं रहना चाहिए, यानी कि आपका जो ड्राइंग रूम है उसे साफ सुथरा क्लीन रखें। आप भले ही हर साल रंग पेंट नहीं करवा सकते, ना कराएं, परंतु घर के प्रत्येक कॉर्नर को, और ब्रह्म स्थान में जिसे हम सेंटर पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पर भूल से भी आपको कूड़ा कचरा, कुछ टूटा फूटा सामान होता है, ठीक है। घर में अक्सर क्या होता है, हम लोग कुछ बच्चों की बुक्स होती हैं, क्योंकि हम उन्हें कई बार यादों के तरीके से संभाल के रखते हैं, कई बार बच्चों की कुछ चीज़ें बहुत संभाल के रखते हैं, परंतु यदि वो डैमेज है, वो आपके किसी यूज़ में नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें संभालिए, परंतु हर किसी को कबाड़ की तरह इकट्ठा करके ना रखें। ये सब राहु का प्रतिनिधित्व करती हैं, राहु अर्थात नेगेटिविटी। जिस घर में नेगेटिविटी होगी, वहाँ रहने वाले लोगों का ध्यान कभी भी केंद्रित नहीं रहता, सकारात्मक सोच नहीं रहती, कोई भी कार्य आप करने जाते हैं वो आपसे पूर्ण होते ही नहीं है, नेगेटिविटी घर में बनी रहती है। तो देखिए, कूड़ा कचरा, टूटा हुआ सामान, जो बंद घड़ियाँ हैं, ठीक है, क्योंकि बंद घड़ियाँ जो होती हैं वो घर के लोगों के जो तरक्की है उसको रोकती हैं, ठीक है। तो बंद यदि आपकी घड़ियाँ जो आपकी हैं वो पड़ी हुई हैं, उन्हें या तो देखिए आप ठीक करवाएं, ठीक नहीं करा रहे हैं और कबाड़ रूप से वो पड़ी हुई हैं, तो उन्हें अपने घर से बाहर निकालें, क्योंकि वह शुभ समय को आने ही नहीं देती, क्योंकि खराब चीज़ खराबी ही फैलाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो बंद घड़ियाँ हैं तो उन्हें घर से पहले ही बाहर निकालिए। जंग लगा हुआ कुछ सामान होता है, लोहा, जैसे कि कुछ लोहे की चीज़ें हैं जिसमें जंग लग गया, कई बार हमारे यूज़ में नहीं आ रही हैं वो, कुछ मैगजीन है, कटी फटी कई बार बेडशीट्स हैं, हम सोचते हैं हम इसका कुछ यूज़ कर लेंगे, सफाई में ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और दूसरी चीज़, जो पुराना, जैसे आपके घर में कई बार तवा रखा होता है, लोहे का जो भी सामान होता है जो आपके यूज़ में नहीं आ रहा, उसे घर से तुरंत बाहर निकालिएगा, क्योंकि लोहे का सड़ा हुआ सामान शनि देव का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उससे शनि देव क्रोधित भी होते हैं और आपके जीवन में नेगेटिविटी की भी बढ़ोतरी होती है। तो इस दिवाली पर आपको अपने घर से लोहे का जो भी आपको सामान लगता है जो खराब है, उसे अपने घर से तुरंत बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसके पश्चात देखिए, मेन जो आपके घर में कुछ चीज़ें होती हैं जिस पर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता है, मेन जो हमारे घर का नेक्स्ट कॉर्नर है जिस पर कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता, वो है घर का ईस्ट कॉर्नर। ईस्ट मतलब पूर्व कॉर्नर जो आपके घर का होता है, वहाँ पर कहीं पर भी दीवारों पे आप एक बार देखिएगा, जाला नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। कहीं पर भी वहाँ पर जैसे कई बार होता है दरवाज़ों में से जो आवाज़ें वगैरह आती हैं, क्योंकि देखिए हमेशा जिस तरह आप जानते हैं ओम की जो ध्वनि होती है वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट करती है, उसी तरह घर के यदि गेट हैं उसके अंदर से कुछ चर की जैसे आवाज़ आती है, कई बार हम गेट खोलते हैं बड़ा इरिटेटिव सी आवाज़ आती है, उस आवाज़ को बिल्कुल ठीक करें, वो आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को पैदा करती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, कहीं पर भी आपको उस कॉर्नर में लगता है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में कुछ भी सामान रखा है, कुछ कपड़ा है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो टूटा फूटा है, जहाँ पर गंदगी की लेयर जमी हुई है, कटी फटी कुछ चीज़ें पड़ी है, या कुछ कांच कई बार टूटे हुए हैं, क्योंकि टूटा हुआ कांच भी राहु को आमंत्रित करता है, ठीक है। तो आपको ईस्ट कॉर्नर जो आपका है घर का है, क्योंकि ईस्ट कॉर्नर यदि आपके घर का खराब है तो धन की कमी तो होती ही होती है, साथ ही साथ सुखों में भी कमी होने लग जाती है। अगर आपका ईस्ट कॉर्नर अच्छा है, साफ सुथरा है, वहाँ पर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, तो आपके
जो भी परिवार की मुखिया हैं उनकी तरक्की होना तय है। जब घर का मुखिया प्रसन्न होगा वह घर भी हमेशा प्रसन्न रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने ईस्ट कॉर्नर का ध्यान रखना है। मैं आपको बहुत सारी जो बातें हैं वो शास्त्रों के हिसाब से ही बता रही हूँ, जो वास्तु कहता है, वास्तु दोष जहाँ पर उत्पन्न होता है उनको लेकर ही मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारा कॉर्नर है वह है ईशान कोण। ईशान कोण सबसे महत्वपूर्ण कॉर्नर होता है आपके घर का, यानी कि उत्तर पूर्व कोण जो कॉर्नर होता है वास्तु के हिसाब से, ठीक है। घर के जो मुखिया हैं, घर का जो पूरा परिवार है, खुशियों का संचार आपके इसी घर के कॉर्नर से होता है। तो यहाँ पर भूल से भी टूटी फूटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यदि वहाँ की दीवार है, क्योंकि इस कॉर्नर में हमेशा हमारे घर का मंदिर बना होता है, दीवार से रंग निकल रहा है, मतलब खराब दीवार हो रही है, इस कॉर्नर की दीवार आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। बंद घड़ी इस दीवार पर भूल से भी मत लगाइएगा, ठीक है। इसके पश्चात, क्योंकि इस दिशा में कई बार हमारा मंदिर भी होता है, तो मंदिर में पूजा के स्थान में कहीं भी टूटी हुई भगवान की मूर्ति नहीं रखी होनी चाहिए, या कुछ पोस्टर होते हैं जो कटे फटे होते हैं, हम उन्हें सब भी संभाल के रखते हैं कि बाद में सफाई में हम निकालेंगे। तो मंदिर में, क्योंकि घर की ऊर्जा का संचार ही मंदिर होता है, तो मंदिर में आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, क्योंकि जो टूटी हुई मूर्तियाँ होती हैं वह घर में और आपके मंदिर में नेगेटिव ऊर्जा का संचार करती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इन मूर्तियों का विसर्जन करना है, इन पोस्टर का विसर्जन करना है, और जो भी पूजन सामग्री आपको यूज़ में नहीं आ रही है, जो आपने एक डेढ़ साल से यूज़ नहीं करी है, जिन चीज़ों को, उन्हें घर से हटा दीजिएगा। और इस दिवाली एक चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है, जो हर घर के व्यक्ति को पता होना चाहिए। अक्सर पिछली दिवाली के जो मिट्टी के दिए होते हैं ना, उन्हें हम संभाल के रखते हैं कि इस दिवाली पर हम उन्हें यूज़ करेंगे। नए दिए तो हम लेकर आती हैं, कई बार पुराने नहीं भी यूज़ करते हैं, तो पुराने दियों को भूल से भी आपको यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी का दिया एक बार यूज़ होने के बाद वह दोबारा यूज़ करने योग्य नहीं माना जाता। मिट्टी को पंच तत्व युक्त माना जाता है, तो इसीलिए मिट्टी के दिए का प्रयोग केवल एक ही बार होता है। तो इस दिवाली पुराने दियों को भी घर से बाहर निकाल दीजिएगा। कुछ नोट, ठीक है, कटे फटे होते हैं, जिन्हें हम अपने लॉकर में हमेशा संभाल के रखते हैं, तो वो फटे हुए नोट कभी भी आपके घर में नए जो लक्ष्मी है, जो नई धन ऊर्जा है, उसको प्रवेश नहीं करने देते। तो घर में कटे फटे नोट पड़े हुए हैं, उनका विसर्जन इस दिवाली से पहले पहले ही कर दीजिएगा, क्योंकि धनतेरस से ही दीपावली का शुभ त्यौहार यानी उत्सव दिवाली का शुरू हो जाता है। तो ये सारी कार्य आपको धनतेरस से पहले पहले कर लेने हैं, बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। कई बार टूटी फूटी हमारे पास कुछ बेल्ट रखे होते हैं, लेदर के पुराने पर्स रखे होते हैं हमारे लॉकर में, जिन्हें हम निशानी के तौर पर संभाल के रखते हैं। तो इस तरह से निशानी के तौर पर संभाल के जो भी आपने वेस्टेज चीज़ें रखी हुई हैं, वो आपके घर में केवल राहु को बढ़ोतरी दे रही हैं और कुछ नहीं कर रही। तभी सफाई करने के बावजूद भी हम सोचते हैं हमारे घर में माता लक्ष्मी आती नहीं है, हम पूजा पाठ भी बहुत विधि विधान से करते हैं, हम घर का रंग पेंट भी करवाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, परंतु हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर तो ध्यान दे ही नहीं पाते। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, घर में पुरानी यदि टूटी हुई झाड़ू पड़ी, ठीक है, क्योंकि सफाई की चीज़ें माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करती हैं, तो झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है। पुरानी टूटी फूटी झाड़ू है, उसे धनतेरस से पहले पहले शनिवार के दिन आपको बाहर निकाल देना है। नई झाड़ू का प्रयोग धनतेरस के दिन लाए पूजन वगैरह करें, और उसका प्रयोग आप कर सकते हैं पुरानी टूटी हुई झाड़ू को निकाल दें। तो आशा करती हूँ समस्त जानकारी, सारे कॉर्नर भी आप बहुत अच्छे से सफाई करेंगे, क्योंकि घर के सफाई में कॉर्नर को मत भूलिएगा। और जब एक बार सफाई हो जाती है, व्यवस्थित घर में ही माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है।